दिस इज आदित्य जोशी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। काफी सारे पेरेंट्स एंड काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला कि भैया एज अ लास्ट ऑप्शन हमें MBBS अब्रॉड ही जाना है, तो हम कौन सी कंट्री, कौन से कॉलेज को सिलेक्ट करें, आप हमें गाइड करो। तो इस वीडियो में आपको बताता हूँ कैसे आपको कंट्री या कॉलेज सिलेक्ट करना है, क्योंकि बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन एंड स्क्रूड इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन सर्कुलेट होती है। तो पहली बात बोलना चाहूंगा, तीन मेन पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं, ओके। पहला पॉइंट है ड्यूरेशन एंड वैलिडिटी। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए जहां आप जा रहे हो वहां एक्चुअल ड्यूरेशन कितनी है। मैं नहीं चाहता कि आप किसी भी कंट्री जाओ और वहां पे आपको पता चले कि यहां तो 7 से 8 साल लग जाएंगे या यहां 8 से 9 साल लग जाएंगे MBBS करने में, जैसे कि फिलीपींस, जॉर्जिया। तो यहां जाने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि 10 साल के अंदर आपको नेक्स्ट का पेपर निकालना है। सेकंड चीज वैलिडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, वो वैलिड है कि नहीं, 2021 के गैजेट को फॉलो कर रहा है कि नहीं। सेकेंड चीज बजट एंड लिविंग एक्सपेंसेस। आपको पता होना चाहिए कि टोटल बजट में आपको खाली ट्यूशन फीस ऐड नहीं करनी है, लिविंग एक्सपेंसेस में हॉस्टल, मेस, डे टू डे के खर्चे, हर साल वीजा रिन्यूअल, ये सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है। लिविंग एक्सपेंसेस कुछ कंट्रीज़ के बहुत हाई होते हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़, रोमेनिया, आर्मेनिया, पोलैंड, यहाँ के लिविंग एक्सपेंसेस इतने हाई हैं कि वही आपका जितना ट्यूशन फीस है उतना ही एक्स्ट्रा बजट और ऐड करा देंगे। तो आपको ये कंट्रीज़ अवॉइड करनी है। अब तीसरी बात पे आते हैं, न्यू रूल्स एंड लेटेस्ट गाइडलाइंस जो भी आई हैं। लाइसेंस आपको मिलना चाहिए उस कंट्री का, एंड लाइसेंस मिलता है तभी आपको रजिस्ट्रेशन मिलता है, और उसके बाद ही आप इंडिया में एज अ डॉक्टर काम कर सकते हो वैलिडिटी के लिए। अब देखो, किन लोगों से आपको ये बातें सुननी है, तो खाली NMC के ऑफिशियल रूल्स रेगुलेशंस को देखना है, NMC के ऑफिशियल नोटिसेस पे ध्यान देना है, आपके काउंसलर्स, आपके एजेंट्स कुछ भी बोलें उन पे ध्यान नहीं देना है। इंडियन एम्बेसी उस कंट्री की क्या बोल रही है वो देखो। इंडियन एम्बेसी उस कंट्री की यूजुअली एक नोटिस निकालती है कि यहाँ आपको आना चाहिए कि नहीं, और अगर आना चाहिए तो यहाँ कोर्स स्ट्रक्चर, कोर्स ड्यूरेशन कैसा है। 2021 के बाद आपको एज्यूम करके चलना है कि अगर किसी कंट्री से कोई पॉजिटिव नोटिस नहीं आया है तो इट इज़ नॉट सेफ, ठीक है। हमें ये नहीं एज्यूम करना है कि जब तक कुछ नेगेटिव पता नहीं चलेगा हम सेफ मान के चलेंगे, नहीं। जब तक पॉजिटिव कंफर्मेशन नहीं आती, रिटर्न कंफर्मेशन नहीं आती, हमें नहीं जाना है। अब आ जाते हैं कुछ और चीज़ें जिनको आपको दिमाग में रखनी है। पहली चीज़ बजट। बजट मैंने बता दिया, दोबारा मैं बता देता हूँ कि बजट आपको लिविंग एक्सपेंसेस एंड ग्राउंड रियलिटी के बेसिस पे देखना है, ऑन पेपर एक्सपेंसेस नहीं देखने हैं, हिडन फीस नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, बहुत सारे लोग ऐसे ही लोकल एजेंट्स या फिर फैमिली फ्रेंड्स से एडमिशन ले लेते हैं, या फिर बहुत सारे भैया दीदी बोलते हैं हम एडमिशन दिला देंगे। देखो मैं आपको बात बताता हूँ, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत कम होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनका डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो आपका एक्चुअली में एडमिशन करा सकते हैं। जितने ज़्यादा लोग आपके और यूनिवर्सिटी के बीच में आते रहेंगे उन सबको कुछ ना कुछ कट मिलता रहेगा, तो आपको कोशिश करनी है कि फ्रॉड से बचें, ओके। अब अगर आपको डाउट है तो डेफिनेटली मैं इंस्टा पे मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, दैट इज़ अ सेपरेट इशू, बट आपको पता होना चाहिए ये चीज़। कोई एजेंट नहीं बताएगा कि उनके वहाँ ऑफिशियल डेस्क नहीं होती है। बहुत सारे इंडिया में एजेंट बोलते थे हमारे तो ऑफिस हैं, वहाँ उनके ऑफिस एक्चुअली में होते भी नहीं है। तो बहुत कम एजेंट है जिन पर आप ट्रस्ट कर सकते हो। सेकेंड चीज़, फ्यूचर एंड PG के ऑप्शंस क्या हैं। आपको पता होना चाहिए कि अगर मैंने MBBS कर लिया तो सेकेंड स्टेप क्या है। MBBS में सैचुरेशन आ रहा है इंडिया में धीरे धीरे, तो बहुत सारे बच्चों को PG करनी ही करनी है। तो PG के लिए USMLE देना है, नेक्स्ट देना है, प्लैब देना है, MRCS देना है, कौन सा एग्ज़ाम देना है आपको पता होना चाहिए। वाई इज़ दिस इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो कजाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ है, कजाकिस्तान में रिटर्न कन्फर्मेशन आ गया उनकी एम्बेसी से कि भाई अगर तुम्हें USMLE के लिए अपीयर होना है तो यू हैव टू डू एक्स्ट्रा इंटर्नशिप ऑफ 1 to 2 years। किर्गिस्तान से ऐसा कोई कन्फर्मेशन अभी तक नहीं आया, लेकिन किर्गिस्तान कजाकिस्तान को ही एग्जैक्टली फॉलो करता है, तो इसलिए ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। अब ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट, इसमें मैं बोलना चाहूँगा उज़्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज़। उज़्बेकिस्तान में MBBS अब्रॉड 2019 में स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब कोई भी बैच वहाँ से पास आउट नहीं हुआ है। जब तक कोई बैच पास आउट नहीं होगा तब तक कोई नहीं बोल सकता वो कितना अच्छा है कितना ख़राब है। FMG पासिंग रेशियो जैसी चीज़ उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। वहीं कोई और कंट्री है जैसे रशिया जो 1992 में स्टार्ट हुई, तो उसको मैं अच्छा मानूंगा। अब आते हैं स्टूडेंट टू टीचर के रेशियो में, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट टू टीचर का रेशियो अच्छा रहेगा तभी पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। कुछ यूनिवर्सिटीज़ है जैसे समरकांड यूनिवर्सिटी, बश्केर यूनिवर्सिटी, यहाँ पे ओवर एडमिशन हो गए हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ ट्रांसफ़र लेके आ जाते हैं, इसकी वजह से 400-500 बच्चों की सिटिंग कैपेसिटी में ये 1500 से 2000 बच्चे बिठा के बैठे हैं, विच इज़ अ बैड थिंग। अगली चीज़ क्लिनिकल एक्सपोजर, कैडेवर्स, इंटर्नशिप, ये आपको पता होनी चाहिए। क्लिनिकल एक्सपोजर अच्छा खासा आपको मिलना चाहिए, कैडेवर्स या सॉफ्ट ऑर्गन्स आपको मिले तो बहुत अच्छी बात है, इंटर्नशिप वैलिड होनी चाहिए इंडिया में। लेकिन एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, आप इंडिया में 1 साल की कंपलसरली इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी आफ्टर नेक्स्ट एग्जाम। सो दैट बीइंग सेड, अगर आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर वहाँ हैंड्स ऑन नहीं मिल पाया तो इंडिया में मिल जाएगा, विच इज़ अ गुड थिंग।
लास्टली ड्यूरेशन, अगेन मैं बोलूँगा ड्यूरेशन, देखो फिलिपिन जैसी कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है, 2 साल का BS, 5.5 ईयर्स का MD, फिर अप टू 1 या 1.5 ईयर्स फॉर लाइसेंस, देन 1 ईयर इंटर्नशिप इन इंडिया, कितनी ड्यूरेशन बढ़ गई। जॉर्जिया में भी आपको 5.5 साल के MBBS के बाद 2 to 3 ईयर्स एज अ जूनियर डॉक्टर काम करना पड़ सकता है, तो वहाँ भी ड्यूरेशन बढ़ गई। तो यू नीड टू कीप इन माइंड कि ड्यूरेशन ना बढ़े। काफ़ी पहले मैंने बोला था कि रशिया में ड्यूरेशन बढ़ सकती है, इसलिए रशिया आपको अवॉइड करना चाहिए। वो तब था जब वहाँ से कोई रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं आया था। उसके बाद से इंडियन एम्बेसी इन मॉस्को का रिटर्न कन्फर्मेशन आया है, जो उनकी वेबसाइट पे भी है, नोटिसेस आए हैं जिनमें उन्होंने बोला है कि 6 ईयर्स के अंदर वहाँ इंटर्नशिप के साथ MBBS हो जाएगा। तो इफ़ दैट इज़ द केस देन रशियाज ड्यूरेशन वोंट इंक्रीज, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। अब आते हैं ऑप्शंस टू अवॉइड। ये क्वेश्चन, ये वीडियो मैं पूरी टू द पॉइंट रखूंगा, ठीक है, जरा भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो अब कौन से ऑप्शंस आपको अवॉइड करने हैं? सबसे पहले आ जाते हैं जॉर्जिया और फिलीपींस पे। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है और मैं नहीं चाहूंगा कि आप यहाँ जाओ, ठीक है। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इन लोगों को, इन कंट्रीज को अवॉइड करो। देखो जॉर्जिया में क्या होता है, पहली बात तो वहाँ इंडियन एम्बेसी नहीं है, सेकेंड चीज़ वहाँ लिविंग एक्सपेंसेस बहुत हाई है, मोर देन 55-60 लाख वहाँ बजट जाएगा। इसके बाद वहाँ ड्यूरेशन बहुत बढ़ गई है, तो जॉर्जिया और फिलीपींस में ड्यूरेशन, बजट एंड वैलिडिटी की दिक्कत अभी आ रही है। फिलीपींस में कह रहे हैं अब लाइसेंसिंग एग्जाम के लिए अलाउ कर देंगे, लेकिन अभी भी 100% श्योरिटी कहीं पे भी नहीं है, कोई भी अभी अपीयर नहीं हुआ, ना ही उन्होंने ये बोला है कि कब लाइसेंसिंग एग्जाम होगा, किस फॉर्मेट में होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता है। किर्गिस्तान, इजिप्ट, ईरान, यहाँ पे लैक ऑफ रिटर्न कन्फर्मेशंस, यहाँ रिटर्न कन्फर्मेशन हमें इतनी नहीं मिली कि हम आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर सके कि यहाँ आपको जाना चाहिए। जैसा कि मैंने बोला, अगर रिटर्न कन्फर्मेशन नहीं आएगी तो आपको मान के चलने कि वो कंट्री सेफ नहीं है। अब आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में। यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ में मैं पोलैंड, आर्मेनिया, रोमेनिया को भी ले लूँगा। नो डाउट वहाँ एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सा बेटर है, लेकिन वहाँ रिटर्न कन्फर्मेशन कोई नहीं आई कि इंडिया के करिकुलम को एग्जैक्टली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। सेकेंडली वहाँ बजट इशूज़ है, वहाँ लिविंग एक्सपेंसिस इतने हाई है कि वहाँ पे आपका टोटल बजट 70-80 लाख पहुँच जाएगा, तो कोई बेनिफिट नहीं है वहाँ जाने का। इसके अलावा मैं चाहूँगा कि बजट इशूज़ में आप हिडन फीस और हिडन चार्जेस भी मान के चलो, जो वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। अब आते हैं नेपाल एंड बांग्लादेश में। नेपाल एंड बांग्लादेश में आपको तभी जाना है जब आपके पास बजट 50-70 लाख के ऊपर का होगा, ठीक है। उससे नीचे का बजट है तो आपको इन जगहों को अवॉइड करना है, क्योंकि ये थोड़े से एक्सपेंसिव काउंटर पार्ट्स हैं। बेटर ऑप्शंस की तरफ आ जाते हैं कि भैया यहाँ नहीं तो इस समय हम किन ऑप्शंस को लेके चले। इसको बताने से पहले मैं आपको बोल देता हूँ, MBBS अब्रॉड शुड बी योर लास्ट ऑप्शन, ये आपको भी पता है, ठीक है। कोई भी कंट्री परफेक्ट नहीं होती है, हर कंट्री के साथ कुछ पॉजिटिव्स और कुछ नेगेटिव्स होते हैं, लेकिन ये ऑप्शंस बाकी ऑप्शन से बेटर है और उनके पीछे वजह जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले रशिया, रशिया में अब ड्यूरेशन अगर नहीं बढ़ेगी एंड रिटर्न कन्फर्मेशन इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो आया है, इफ़ यू पे अकाउंट इन टू दैट, इफ़ यू पे हीड टू दैट, तो हमें पता चलेगा कि हाँ 6 साल के अंदर अगर MBBS हो जाते हैं तो इट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शंस आउट देयर। 25-30 लाख का बजट जिनके पास रहता है, बजट रिस्ट्रिक्शन रहता है, तो उनको रशिया चूज़ करना चाहिए। उज़्बेकिस्तान की मैं बात करूँ तो उज़्बेकिस्तान में अगेन 32-35 लाख का बजट रहता है, कोई पास आउट नहीं हुआ है, दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट, इसलिए मैंने इसे पॉइंट नंबर 2 पे रखा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उज़्बेकिस्तान अभी वैलिड है और रिटर्न कन्फर्मेशन आई है और वो इंडिया के रूल्स, रेगुलेशंस एंड करिकुलम को फॉलो कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। कजाकिस्तान को लास्ट ऑप्शन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि वो उन्हीं बच्चों को चूज़ करना चाहिए जो थोड़ा सा अगर ड्यूरेशन बढ़ जाती है तो उससे उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड ऑफ ऑल, कजाकिस्तान से US Emily का ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट एज ऑफ नाउ ये 3 ऑप्शन मुझे बाकियों से बेटर लगते हैं। अब मैं आपको, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं ये बता देता हूँ, चीपेस्ट या फिर बजट फ्रेंडली ऑप्शन जो है हर कंट्री में, जो कॉलेजेस हैं बजट फ्रेंडली उनके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा जो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगी। बेस्ट कॉलेजेस जो है आपके लिए, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा जो अगेन आपको मिल जाएगी। जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं वो कभी कभार उतने बजट फ्रेंडली नहीं होते हैं, हो सकता है 5-6 लाख ज़्यादा महंगे हो, ठीक है, बट दैट इज़ अंडरस्टूड। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए आपको क्या क्या बातें याद रखनी है, ड्यूरेशन, वैलिडिटी, बजट, स्टूडेंट टू टीचर रेशियो, वहाँ ग्राउंड रियलिटी कैसी है, वहाँ लाइसेंस मिल रहा है कि नहीं, और अगर लाइसेंस मिल रहा है तो उस लाइसेंस को लेने के बाद क्या मैं US Emily, MRCS, PLAB, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज़ जा सकता हूँ कि नहीं। इन सब चीज़ों को याद रखते हुए आई होप कि आप कोई गलत डिसीजन ना लो। इफ़ यू नीड एनी हेल्प तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड। थैंक यू।